रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये जंगल में से रास्ता निकलता है। यहाँ एंट्री करते हुए बकायदा गाड़ी की एंट्री को कितने आदमी हैं और ड्राइवर कौन है, गाड़ी चला रहा है, सब एंट्री करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलेश्वर यादव सर। जलेश्वर यादव, नानू के नाम से जानते हैं है? नानू के यादव के नाम से जानते हैं। नानू यादव, ये हमें भोरमदेव टेंपल घुमाएंगे दोस्तों, और चलिए इनके साथ हम भोरमदेव टेंपल घूमते हैं। नानू जी के साथ भोरमदेव टेंपल आ चुके हैं, अब मैं आपको भोरमदेव जी के दर्शन कराता हूँ। राजा भोरमदेव, रानी अंबिका देवी, पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं। ये मंदिर जो है इन्हीं के नाम से चलता है। ये उनके गुरु जी हैं, राजगुरु विट्ठल देव बाबा मंदिर, राजा रानी के गुरु। ये गणेश जी हैं, आपका पूरा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। अष्टभुजी गणेश, आठ भुजा है। अच्छा, तो इसका तांत्रिक गणेश जी के नाम से जानते हैं इसको। तांत्रिक गणेश जी नित्य मुद्रा में है। ये है आपका पंचमुखी शेष नाग है, पांच मुंडी वाला। इन्हीं के पुत्र थे आदिवासी गौड़ राजा नाग का वंश, नागवंशी गौड़ राजा। ये जो है आपका स्वयंभू स्वयं निकला हुआ है। अच्छा, इसको अर्थ नागेश्वर के नाम से जानते हैं। आधा शंकर जी है, आधा पार्वती जी है। शिवलिंग में कैसे ये जो है यहाँ से है ना, तो इसको पैक कर दिए गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ से है, इधर शंकर जी है, इधर पार्वती जी है, यहाँ से दो भाग में है। अच्छा ठीक है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, और मंदिर के अंदर बताते हैं कि ये यहाँ किसान अपना हल चलाते हुए, और ये मंदिर जो है जमीन में से मूर्ति जो है ये निकली है, पुरानी मूर्ति। मोबाइल बंद कर दो भैया। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भी अपना संगाला है, जितना मूर्ति है छोटा छोटा, ये सब ना हल से निकला है, कहीं कहीं खोदते हुए हाथ में निकला है कहीं कहीं। यहाँ बोटिंग के लिए एक सरोवर है, और कमल आजकल नहीं है, नहीं तो यहाँ कमल खिले रहते हैं। यहाँ लोग बोटिंग करने, पिकनिक करने के लिए आते हैं।
बताइए क्या बता रहे थे मंदिर के बारे में। 15वीं शताब्दी में फणी नागवंशी रामचंद्र देव उसकी पत्नी अंबिका देवी द्वारा बनवाया गया था। शिव भगवान 1.5 मीटर की गहराई है। शिव भगवान में जल चढ़ाते हैं, जल अंदर ही अंदर जल सोख देता है, बाहर निकासी कुंड नहीं है इसमें। और ये 16 स्तंभ है, इसलिए इसको शादी का मंडप बोला, इसलिए इसको मड़वा महल बोला गया है। और पूरब दिशा से सूरज उगता है तो छिड़की महादेव को दर्शन करता है, अस्त समय इसको दर्शन करेगा तो सूर्य देव डूबता है। और जो बाहर बाहर निकासी किया गया है वंश बढ़ाने कलयुग में, जैसे मूर्ति निकासी किया गया है छीनी हथौड़ी से, और एक एक फीस पत्थर को बेल और चूना से उसको जुड़ाई किया गया है, वहाँ तक की रीजनल वाल है। ऐसी मूर्ति 6 मसी रात में ऊपर तक के चारों तरफ से लगा हुआ था। मंदिर 2 मंजिल का है, ऊपर वाले भूकंप या से गिर गया, गिरने के बाद मूर्ति क्षति हो गया, टूट टूट गया, तो उसी पत्थर को पलटी करके उसको रिपेयरिंग कर दिया गया ताकि प्राचीन धरोहर सुरक्षित रहकर। और वो जो वंश बढ़ाने जो कलयुग में जैसे मूर्ति निकासी किया गया है, उस समय बहुत सुंदर चिकना में भग्न दिखाई दे रहा था, वो बलवा पत्थर है, धूप और पानी से छर्रन हो रहा है। और ये दरवाजे के पास लगा है गंगा यमुना गणेश जी का नाम का ये ग्रेनाइट पत्थर, ये लोहे टाइप का आयरन टाइप का बहुत मजबूती पत्थर, भोरम देव 11वीं शताब्दी 1100 साल पहले वो ग्रेनाइट पत्थर से बेल और चूना से जुड़ाई किया गया है, वो साबुत मंदिर बचा है क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर है मजबूत, उसमें पानी फिसल देता है। और उसकी 16 मीटर की ऊंचाई है और 53 फीट है उसका ऊंचाई जमीन से ऊपर तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया इसका। देखिए ये बहुत ही 1.5 मीटर नीचे, और बता रहे हैं कि जितना शिवलिंग में पानी डालते हैं वो अपने अंदर ही सोख लेता है, पानी का निकासी का कहीं साधन नहीं है। बहुत अच्छा, संजय पकड़ना, जय श्री। ये स्टेप्स उतर के नीचे जाना होगा, मैं चाचा का बायोस्कोप से आपका स्वागत करता हूं। मैं यूट्यूब व्लॉगर हूं और घूमते घूमते भोरम देव टेम्पल और अब आपके फार्म हाउस में पहुंचा हूं। जी। तो प्लीज़ पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं मिसेस प्रेरणा सिंह, अभी हम भोरम देव शिफ्ट हो गए कोविड से, और उसके पहले मैं वर्किंग थी रायपुर में। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में दिखाएं और यहाँ के उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है और क्या है वो भी पूरा बताएं। प्लीज आप आगे चलिए। ये डाइनिंग है, अगर आप यहाँ आएंगे तो ये डाइनिंग इन्होंने बनाया है। ये हमारा बफे में, इसमें खाना लगता है। वेरी गुड। एंड यहाँ हम खाना सर्व करते हैं, डाइनिंग स्पेस है हमारा, और इसमें पूरा गोबर की लिपाई होती है। ये डोर्स जो है वो 100+ ईयर्स के हैं, जो हमारे एंसेस्ट्रल घर थे उसके डोर्स निकले हुए थे, तो हमने उसको इसमें यूज किया हुआ है। यहाँ पे एक्टिविटीज भी कराते हैं, छोटे छोटे एक्टिविटीज एंड ऑल है, कैरम है और बैडमिंटन है और आपका फुटबॉल क्रिकेट, ये सारी एक्टिविटीज इन हाउस में करवाते हैं बच्चों के लिए। हमारे प्रॉपर्टी की यूएसपी है कि जस्ट पीछे ये माउंटेन रेंज है और यहाँ हम ट्रैकिंग के लिए भी लेके जाते हैं। अच्छा। ऊपर में मंदिर है तो वो बमन राई का मंदिर है, देवी का मंदिर है। ये कॉटेज मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, देखिए बहुत स्पेशियस रूम है। अंदर एंट्री करते ही आपको महसूस होगा कि एक अच्छे बड़े रूम में, और बेड भी किंग साइज, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है जी। तो यहाँ थोड़ा सा है, ये ये एक जिस पर हम बाहर निकले हैं, एक सामने आपको कॉटेज नजर आ रहा है राइट साइड में, एक ये लेफ्ट साइड में, ये 3 कॉटेज हैं। हमारे पास डक्स हैं 16। अच्छा, डक्स हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा फिश एंड ऑल के लिए रखा है।
देखिए ये पॉन्ड यहाँ पे तैयार हो रहा है, एक डिफरेंट लुक आ जाएगा यहाँ पर। हमारे मंदिर बहुत लगा हुआ है, वॉकिंग डिस्टेंस मंदिर है, प्लस 25 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारी जगह घूमने की। अच्छा, 16 किलोमीटर यहाँ से सरोदा डैम है, डैम में सनसेट सनराइज बहुत सुंदर खूबसूरत रहता है, बहुत अच्छा है, उसका व्यू अलग है। और ठंड के समय में जैसे अभी सुबह जैसे पानी फॉग बहुत रहता है, बहुत कोहरा रहता है, यहाँ भी पूरा कोहरा भर जाता है, इवन ये पूरे कैंपस में एक दूसरे में देखने में भी एक रूम से दूसरा रूम नहीं दिखते। एक ढाबा स्टाइल एंड ऑल में थोड़ा सा डेकोरेट करके सेट आउट जैसा बनाया है, यहाँ पे भी ठंड के समय बहुत अच्छा हो जाता है घर सेट आउट करके, आप ब्रेकफास्ट भी यहीं सर्व कर देते हैं समटाइम्स। इधर से हम चलते हैं, ऑर्गेनिक ही उगा रहे थे। अच्छा। यहीं हमारे इसी फार्म में चावल एंड ऑल सब हम यहीं लगा रहे हैं, पीछे का पोर्शन राहर अभी भी लगा हुआ है, तो जो अभी गेस्ट जो खाते हैं वो यहीं का ग्रोन। अच्छा, तो मतलब ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा उनको। बता नहीं है, हम सम स्पेशल इवेंट्स के लिए हम ऊपर तैयारी कर लेते हैं। ये जो है आपका दूसरी जो है, दो अलग अलग रूम्स हैं और पीछे से इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। और ऊपर इसके टेरेस है। हमारे प्रॉपर्टी से नियर बाय रिवर साइड है, तो वहाँ हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कराने लेके जाते हैं। ऐसे रूम्स हैं। शूज ऐसे स्वीट रूम्स हैं। अच्छा। ऐसे दो स्वीट रूम्स हैं, ये आपका ड्रेसिंग एंड वॉशिंग के लिए। यहाँ से इंटरकनेक्टेड दो रूम्स इंटरकनेक्टेड हैं पीछे से। अच्छा। ऊपर से जाएंगे तो उसका व्यू अलग है, पूरा एक स्पेशियस और प्राइवेट हो जाता है इस एरिया में, तो यहाँ से उधर का दिखता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं जी। और सारा रेंज पूरा माइकल रेंज पूरी दिखती है, पूरे ऐसे जाने देखेंगे तो पूरे सराउंडिंग में दिखेगा। ये सारे पलास के पेड़ हैं, तो गर्मी के समय पूरे फूलों से ऑरेंज कलर के फूलों से पूरे लग जाते हैं। उधर की चोटी में भी देवी माँ का मंदिर है, उधर की जो जो चोटी है वहाँ देवी माँ का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है, उसके उस साइड पे भोरम देव का मंदिर है। इधर आपका जो मैंने बताया था बमन भाई का मंदिर है, और जस्ट इसके पीछे में एक शनि देव का मंदिर है। अच्छा। तो वी आर सराउंडेड विद टेंपल्स। देखिए चारों तरफ का व्यू आप देखिए, इधर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 5 दिसंबर 2021, कल हम यहाँ कवर्धा में नाइट स्टे किया था, और आज हमारे यहाँ मित्र हैं सुनीत, हमारे भाई साहब श्याम तंबोली जी और उनके बेटे सुनीत तंबोली जी, तो उनके फार्म हाउस पर हम आए हैं। यहाँ उन्होंने पपीते का पूरा फार्म हाउस तैयार किया हुआ है अपना, बहुत अच्छे पपीते लगे हुए हैं, और इधर एक छोटी सी उन्होंने टैंकी बनाई है नहाने के लिए। तो आज हम यहाँ, मौसम बढ़िया है यहाँ, इतनी ठंड भी नहीं है, और इधर हम उस टैंकी में आज नहाएंगे, ट्यूबवेल में एंजॉय करेंगे, घूमते घूमते ये एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, वो अभी इसमें कई दिनों बाद वो उसको ओपन कर रहे हैं, तो साफ़ सफाई चल रही है उसकी। ये अभी हम जैसे ही ये साफ़ हो जाती है, इसमें पानी भर के ये इसमें, ये सामने सुनीत वो अभी वो पानी भरना चालू कर दी। बेहतरीन, सब आ रहा है, अब आ रहे हैं, आ जाओ, अब आ गया सही है कि नहीं, आप तेरे को जो करना कर, चलते रहो भाई, क्या करने लगा है जादू। Yeah, man.
तारों पर बना में आ रहे हैं आपको कपड़े लेके आ जा, बहुत गर्म पानी मजा आ रहा है। आप तो बोले थे मेरे को, उसको पता चल गया था। आप तो बोले थे संडे को ले जाओ घर के बच्चे। इधर आओ सर, ये देखो दोनों। हेलो बेटा, आ जाओ बहुत मजा आ रहा है। आ रहे हो क्या? आओगे? आ जाओ विकास अंकल का फोन लगाऊं। चलो करो। ये पूरा एक मिनट सांस रोक के रखेगा, गोता लगाएगा अंदर पानी के अंदर, एक मिनट हमारा पहलवान पानी में एक मिनट सांस रोक कर। ये संजय एक मिनट तक पानी के अंदर सांस रोक लेता है, उसको प्रैक्टिस है तो कितना होगा जी? ये 40 सेकंड रोका है। टाइम देख सांस कितनी देर रोक सकते हैं। चलो इन्होंने रोक क्या जी? 30 सेकंड क्या? 30 सेकंड रोक। मेरी बारी है, मैं अब मैं करता हूँ 3 मिनट। रोको भाई साहब, आप देख करो। 1 2 3 ये सुनीत पानी के अंदर देखते हैं कितनी देर तक सांस रोकता है। दूध की जल्दी ऊपर आ जाते, कुछ पकड़ने का रहे नीचे तो और अच्छा रहे। मैं भी रोकूंगा एक बार दोबारा। दोस्तों ये हम आ गए हैं कवर्धा के सर्वोदय डैम, और ये सर्वोदय डैम का नज़ारा आपको मैं सीन दिखा रहा हूँ। ये इनका साइड सीन है यहाँ। सर्वोदय डैम का बहुत सुंदर दृश्य, एक साइड पूरा गार्डन डेवलप किया हुआ है। यहाँ गार्डन है, शाम आपको वॉक के लिए, फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा गार्डन है। और इस तरफ ये डैम, पूरा बहुत बड़ा डैम है ये, वाटर सप्लाई का एक बहुत अच्छा सोर्स यहाँ से भी। दोस्तों ये लवकेश है, ये कवर्धा में हमें डैम घुमाने लाए हैं, और इन्होंने सारा रास्ता और डैम के बारे में हमें बताया यहाँ। तो मैं धन्यवादी हूँ लवकेश जी का। दोस्तों ये मैं आपको यहाँ सर्वोदय डैम का रास्ते का व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ, रास्ता बहुत ही बढ़िया। हाँ
बस बस चलिए यहाँ तक चलेगा मुझे।